झारखंड के धनबाद स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर धैया में गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने घट यात्रा एवं ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के सानिध्य में 19 जून को श्री दिगंबर जैन मंदिर धैया धनबाद में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने श्री जी का अभिषेक शांति धारा एवं नित्य मह पूजन किया। जिसके बाद ध्वजारोहण एवं घट यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसके उपरांत सौभाग्यवती महिलाओं ने पंडाल शुद्धि की क्रियाएं संपन्न की। कार्यक्रम के अवसर पर मुनिश्री ने भक्तों का मार्गदर्शन किया। पंच कल्याणक तो तीर्थंकरों के जीवन में साक्षात होता है, पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने का सौभाग्य हम आप जैसे लोगों को मिलता है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव क्या है? आने वाले दिनों में भगवान के सारे गुणों को, जिन पाषाण की मूर्तियों को हम भगवान बनाने जा रहे हैं, उनमें आरोपित किए जाएंगे। जैन परंपरा में हमारे परमात्मा प्राणातीत होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उनमें हम गुणों का आरोपण करते हैं, बिंब प्रतिष्ठा होती है, जिन बिंब प्रतिष्ठा। इस अवसर पर भक्तों ने भी अपने भाव व्यक्त किए। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रारंभ हो चुका है। आज धनबाद नगर के धैया स्थित से दिगंबर जैन मंदिर से भव्य घट यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुगण के साथ गाजे बाजे एवं नारे के साथ नगर भ्रमण करके पंडाल में प्रवेश हुआ। वहाँ पे पंच कल्याणक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कार्यक्रम आगामी 25 जून तक चलेगा। 19 जून से शुरू हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुनि संघ के सानिध्य में स्थानीय समाज के साथ साथ दूरदराज से पधारे भक्त भी सहभागिता कर धर्म लाभ ले रहे हैं। जैन फोकस के लिए धनबाद झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।